राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने जब से बाड़मेर जिला कलेक्टर का पदभार संभाला है तभी से वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। टीना डाबी आए दिन शहर का निरीक्षण करते दिख रही हैं। जिला कलेक्टर डाबी ने सोमवार को नवो बाड़मेर अभिनव पहल की शुरुआत की। इस पहल की शुरुआत भामाशाह तानसिंह चौहान मार्ग से की गई। शास्त्री नगर अंडरब्रिज से चामुंडा चौराहे तक जिला कलेक्टर की अगुवाई में श्रमदान किया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने घरों के बाहर खड़ी महिलाओं से कहा कि बाड़मेर को स्वच्छ रखने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप सभी की भी है। वहीं जब जिला कलेक्टर ने महिलाओं से पूछा कि आप साफ सफाई रखोगे तब महिलाओं ने कहा कि अब रखेंगे। आपको बता दें कि टीना डाबी ने करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी, उपखंड अधिकारी वीरमा राव, समाज सेवी जोगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, कमिश्नर विजय प्रताप सिंह, रेवंत सिंह चौहान, कैलाश कोटड़िया, छोटू सिंह उपप्रधान समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 24 घंटे के अंदर सारा कुछ बदलने के मामले किस तरह रहा और शुरुआत कैसे किया? आदरणीय कलेक्टर साहब ने और नगर परिषद ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, जो MOU हमने किया था 2 दिन पहले कि बाड़मेर को स्वच्छ कैसे रखा जाए, तो हमने काफ़ी लोगों बाड़मेर के भामाशाहों ने आगे आके इसको प्रेरित होके हमने कुछ रोड और सर्कल गोद लिए थे। तो उसमें पहला पार्ट ये था कि ये गांधीनगर का रोड भामाशाह तन सिंह चौहान मार्ग, जो काफ़ी दिनों से इसको हाल फिलहाल था कि झाड़ियाँ थी, कचरा भी था हर जगह। तो मैंने ये सोचा कि भाई एक ही दिन में इसको 24 घंटे के अंदर हम पूरी क्लीनिंग कराएंगे। इसमें जो डामर जहाँ टूटा हुआ है उसको डामर करेंगे, कंक्रीट जहाँ टूटा हुआ है उसको कंक्रीट का पैच वर्क करेंगे और बाकी जो भी इनका जो क्लीनिंग का है वो कंप्लीट क्लीनिंग करेंगे। आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कितने उत्साह से आता है? हाँ, आज पूरा उत्साह, जैसे हमारे यहाँ 2 स्कूल बड़ी स्कूल है, उन स्कूल को भी हमने बोला था, जो इनके NCC के बच्चे हैं या सीनियर जो 11th 12th वाले बच्चे हैं वो भी आए हैं आज। करीब अराउंड 1000 के आसपास लोग हैं जो एक ही दिन के अंदर इसको पूरे रोड को कंप्लीट करेंगे। जिला कलेक्टर से हमने रिक्वेस्ट भी किया था कल रात को कि आप एक बार खुद आएंगे तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे, पड़ोस वाले भी मोटिवेट होंगे और आगे से कचरा ना करें, उसकी भी अपील करें। तो आज मैडम ने सबसे अपील भी की आगे से कोई कचरा भी नहीं करें और हम इस रोड के अंदर थर्मोप्लास्ट पेंट लगा के रोड मार्किंग भी करेंगे, जहाँ लाइटें खराब है वो लाइटें भी करेंगे, कंक्रीट एंड जितना इस रोड के लिए चाहिए वो हम पूरा रोड आज 24 घंटे के अंदर, कल आपको वापस बुलाया जाएगा, कल आप उसको वापस आफ्टर एंड बिफोर देखेगा। उनको कल बुलाएंगे, हम कल अपन बुलाएंगे, अपन सब मिलके साथ में कल वो देखेंगे रोड को, फिर आपके साथ रूबरू होंगे, बताएंगे क्या कैसा है उनका एक्सपीरियंस रहा। एक सड़क से शुरुआत हुई है, जिले के और शहर के जो लोग हैं उनसे क्या अपील है? बस उनसे यही अपील है, जो भामाशाह ने गोद लिया तो वही एक मोटिवेट होके इसको आगे कंटिन्यू रखे। जैसे आज मैंने एक दिन में किया, जो आगे दूसरी टीम लगा। आज इसमें एक और बड़ी पॉइंट था, मैंने नगर पालिका का एक भी एम्प्लॉय यूज़ नहीं किया, ना नगर पालिका को इक्विपमेंट यूज़ किया, सब मैंने मेरे पर्सनल या हायर करके यहाँ से बाड़मेर से जो उपलब्ध थे वो सब मेरे हिसाब से हायर करके। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।